प्रदेश सरकार के अधिकारी सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं को देना सुनिश्चित करें। जिलाधीश कार्यालय कांगड़ा के सभागार में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य जगदीश हीरामणि ने धर्मशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों सफाई कर्मचारियों के संगठनों के साथ आयोजक की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत उनके आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। बैठक में नगर निगम धर्मशाला के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने आयोग के समक्ष उन्हें ठेकेदार द्वारा न्यूनतम वेतन न देने, छुट्टियों के एवज में पैसे काटने और सरकार द्वारा तय छुट्टियां न देने, ईपीएफ के संबंध में कोई जानकारी न देने, सफाई उपकरण ना उपलब्ध करवाने सहित स्वास्थ्य संबंधी जांच ना होने के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। आयोग के सदस्य जगदीश ने सफाई कर्मचारियों को सुविधा ना देने और श्रम नियमों का कड़ाई से पालन ना करवाने पर अधिकारियों को जमकर लताड़ भी लगाई। बैठक के दौरान सुविधाएं ना देने पर नगर निगम के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के संगठन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। बिना तैयारी के हुई इस बैठक में अधिकारियों पर आयोग के सदस्य नाराज दिखे। उन्होंने अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए कहा कि अधिकारी सफाई कर्मचारियों को हल्के में ना लें। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य जगदीश हीरामणि ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों की सुविधा से संबंधित गाइडलाइन जारी की गई है जिनकी जारी इनको नहीं थी। उन्होंने कहा कि आयोग ने अधिकारियों को 15 दिन के भीतर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निपटारा करने संबंधित आदेश जारी किए हैं। जगदीश ने कहा कि जो ठेकेदार सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं उनके टेंडर रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी सफाई कर्मचारियों को महत्व नहीं देते हैं और इसको लेकर आयोग गंभीर है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्य सचिव के साथ बात की जाएगी। दो तीन मुद्दे आए हैं। एक मेजर प्रॉब्लम है सैलरी सही समय पर नहीं देते, जो ठेकेदार होता है उसमें काट के देते हैं, इक्विपमेंट्स नहीं देते, हेल्थ इक्विपमेंट्स नहीं देते, सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं देते। कुछ चार पांच प्रॉब्लम्स के बारे में आज जो सफाई कर्मचारी वर्कर्स है वो मुझे बताया। आज मैंने आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कॉर्पोरेशन अधिकारियों से मैं आज डायरेक्शन दिया हूँ, जो भी सफाई कर्मचारी का आज जो बताया वो प्रॉब्लम 15 दिन 20 दिन के अंदर वो मॉनिटरिंग करना है, वो सॉल्व करना है। जो सफाई कर्मचारी के लिए चार मुद्दों पर आज मैंने बताया है, उनके लिए मिनिमम वेज आज जो लेबर ऑफिसरों से भी बात किया हूँ मैंने। जो लेबर एक्ट में एक सफाई कर्मचारी के लिए सरकार का गाइडलाइंस पे क्या है वो गाइडलाइंस ही मालूम नहीं है हमारा लोकल बॉडी ऑफिसरों को। उनको एक रेस्ट रूम देना है, गुड ड्रिंकिंग वाटर देना है, कोकोनट ऑयल देना है, मंथली जो लेडीज होगा तो वो प्रेगनेंसी रहे तो 4 महीना विथ सैलरी लीव सैलरी देना है। सर आज बैठक में एमसी धर्मशाला का मुद्दा भी गरमाया रहा, जिसमें सफाई कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या न होने के बावजूद जो पेमेंट्स हैं वो नहीं। मैं अभी हम डायरेक्शन दे रहे हैं ना कमीशन से, जो ठेकेदार वो सही सैलरी नहीं दे रहे, स्पेशलिटी नहीं दे रहे, इनके लिए उनका टेंडर कैंसिल करो। जो नया नया रूल्स एंड रेगुलेशन डाल के नया टेंडर बनाओ। धीरे धीरे ये टेंडर सिस्टम बंद करना है, डायरेक्ट सैलरी देना है और परमानेंट फ्यूचर में परमानेंट करना है इन सब लोगों के, परमानेंट करना है। ये हमारा कमीशन डायरेक्शन दे रहे हैं सभी स्टेट गवर्नमेंट को, परमानेंट करना है। वो तो चलता ही रहता है, वो अधिकारियों से वो इम्पोर्टेंस नहीं लगता है। सफाई कर्मचारी है ना, जो समाज में कितना सफाई कर्मचारी को हम इज्जत देते हैं ना, वो कमीशन भी ऐसा ही होगा, समझा होगा, पता नहीं मुझे। मैं कंसल्टिंग ऑफिसरों के साथ बात करूंगा, जो हमें मेरा स्टेट गवर्नमेंट का कंसल्टिंग ऑफिसर होगा चीफ सेक्रेटरी,
चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा मैं।